गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लास। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो किड्स, एज यस्टरडे वी डन विथ अवर एक्सरसाइज 6.8, नाउ टुडे इन दिस क्लास वी विल डू एक्सरसाइज 6.9। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज, वी विल लर्न अबाउट द मल्टीप्लीकेशन बाई 10, 20, 30 और 100, 200 एंड सो ऑन। ओके, सो अगर किसी भी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो अगर इसे ईजिएस्ट फॉर्म में हमें लिखना है, मीन्स ये टू डिजिट मल्टीप्लायर है, 10 इज़ अ टू डिजिट मल्टीप्लायर, बट हम इसे ईजली बिना जो हमने फुल फ्लेज प्रोसेस करा था लास्ट एक्सरसाइज में टू डिजिट मल्टीप्लायर का, हमें वो करने की नीड नहीं होगी। सी, जिस भी डिजिट में, नॉट ओनली इन द 10, जिस भी डिजिट में आपको ज़ीरो है, मीन्स आपका जो मल्टीप्लायर है उसमें ज़ीरो गिवन है, सो आप ज़ीरो को रहने दीजिए, ज़ीरो को ज़ीरो से पहले मल्टीप्लाई मत कीजिए जो उसके आगे आपको डिजिट गिवन है। फॉर एग्जांपल, टेंथ प्लेस पे आपको अभी वन गिवन है, सो अगर 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? यस, 32 वन ज़ा 32। अब आप ज़ीरो काउंट करेंगे कि ज़ीरो कितनी गिवन है, ज़ीरो कितनी गिवन है, 1 गिवन है, तो हम 1 लगा देंगे, राइट? सो ईज़िली हमने मल्टीप्लाई कर लिया 32 को 10 से, 320 हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली अब देखिए, ज़ीरो मत देखिए पहले, जो डिजिट गिवन है उसे देखिए, ज़ीरो को स्किप कर दीजिए पहले। तो डिजिट हमें 1 गिवन है, तो अगर 284 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली यू ऑल नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कि अगर किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, राइट? सो 284 का 284, अब ज़ीरो कितनी गिवन है? 1, तो 1 हमने ज़ीरो पुट कर दी। सिमिलरली अब देखिए, 100 में अगेन ज़ीरो को पहले आप स्किप कर दीजिए, पहले डिजिट कितनी गिवन है आपको? 1। अब 100 प्लेस पे आपको 1 गिवन है, अब 45 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 45। अब ज़ीरो काउंट कीजिए, 20, सो 45 के पीछे हमने 20 लगा दी। अब आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन जो है हमारी वो कितनी ईजी बन गई है, राइट? अब 10, 100, 1000, इनमें तो 1 होता है तो हम ईजली राइट डाउन कर देते हैं सेम नंबर और ज़ीरो काउंट करके 0 लिख देते हैं। बट अगर हमें ऐसे नंबर गिवन हो, 20, 30, 40, 50, जिनके पीछे 0 हो बट 1 नहीं है उनके टेंस प्लेस पे या फिर 100 प्लेस पे, तो हम क्या करेंगे? देखिए, अब अगेन जो मैंने आपको बताया है, 0 को आप स्किप कर दीजिए, पहले जो डिजिट गिवन है उससे मल्टीप्लाई कीजिए मल्टीप्लिकेंट को। 25 इज़ अवर मल्टीप्लिकेंट और हमारा मल्टीप्लायर है 20। अब ये है तो टू डिजिट मल्टीप्लायर, बट हमें इसे ईजिएस्ट फॉर्म में लिखेंगे, हम फुल फ्लैग प्रोसेस नहीं करेंगे जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में करा था, ज़ीरो स्किप कर देंगे, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? अब ये हमारा, अगर 2 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कौन सा मल्टीप्लीकेशन बन गया? ये हमारा 1 डिजिट मल्टीप्लीकेशन बन गया, राइट? सो 2 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 50। अब 0 काउंट कीजिए, 0 कितनी है? 1, तो हमने 1 0 पुट कर दी, राइट? सो आपको ये जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से करने हैं। अब सिमिलरली देखिए, 20 की जगह 200 गिवन है, तो या फिर 300, कोई भी नंबर गिवन है। अब देखिए, 34 × 400, अब अगेन पहले जो नंबर गिवन है उससे मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो 34 को, कितना आएगा? 136। अब 0 काउंट करो, 1, 2, हमने 136 के पीछे लगा दी 0, 1, 2। अब देखिए, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम ऐसे फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। देखिए, नंबर गिवन है 3 × 10, अब ये तो बहुत सिंपल है, पहले 0 हटाओ, 3 × 1 करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 1 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब 0 काउंट करो, 0 कितनी है? 1, 2, 1, तो 30 इज अवर आंसर, राइट? अब देखिए, ये टू डिजिट मल्टीप्लायर गिवन है, अगेन यहाँ पे 0 है तो हमें फुल फ्लेज नहीं करना है क्वेश्चन को, पहले 0 हटा दो, कितना बन गया? 1 डिजिट मल्टीप्लायर बन गया, तो पहले अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? अब 3 × 7 = 21, 1, 2 कैरी, 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 40। देखिए, 141 आ गया, बट ये हमारा प्रॉपर आंसर नहीं है। अब हम 0 देखेंगे, 0 कितनी गिवन है? 1, तो हम 1, 0 लगा देंगे, नाउ इट्स अवर आंसर। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको सबसे पहले 0 को
स्किप करना है, पहले जो नंबर गिवन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन ज़ीरो काउंट करके ज़ीरो पुट कर देंगे. ओके, सो ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको इस तरह से करने हैं. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 6.10. सी, इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन हैं. पहले हम एग्जांपल में देखेंगे. अ कार्टून कंटेन्स 592 बॉल्स, हाउ मैनी बॉल्स डू 72 कार्टून्स कंटेन. अब देखिए, कभी भी आपको एक चीज़ का प्राइस या फिर नंबरिंग गिवन हो और आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स का प्राइस या फिर नंबरिंग निकालनी हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. सो अब देखिए, हमें एक कार्टून में कितने बॉल्स हैं, 592. एक की गिवन है, हमें 72 की निकालनी है. ज़्यादा की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सो 592 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 72 से. नंबर ऑफ बॉल्स इन वन कार्टून 592, नंबर ऑफ कार्टून 72. मल्टीप्लाई करा दोनों को, आंसर आ गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ गई हमारी 42,624. ओके, लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सी, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1. जैक पेज 987 रुपीज़ टूवर्ड्स हिज स्कूल फी एवरी मंथ. जैक अपनी स्कूल की एवरी मंथ की, मतलब एक मंथ की उसकी कितनी फीस है, 987. फाइंड दी अमाउंट पेड एज फी फॉर अ ईयर. हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, फाइंड द अमाउंट पेड एज फी फॉर अ ईयर, मतलब एक ईयर की उसकी कितनी फीस होगी, हमें वो निकालनी है. राइट, अब एक मंथ की कितनी है, 987. अब हमें एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12. सो 12 मंथ्स की निकालनी है. ज़्यादा की निकालनी होती है तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो हम 12 को 987 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सी देखिए, क्वेश्चन में हमें टोटल फीस इन अ मंथ, एक मंथ की कितनी टोटल फीस थी, 987 रुपीज़. राइट, और टोटल मंथ्स इन अ ईयर, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12. सो हम 12 को 987 से मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस. टू डिजिट मल्टीप्लायर है, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है. एंड हमारी कितनी आ गई, टोटल अमाउंट पेड, मतलब हम पूरे साल में कितनी फीस पे करते हैं, ये हमारी अमाउंट आ गई. राइट, 11,844. सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, देयर आर 365 डेज इन अ ईयर. एक ईयर में कितने डेज हैं, 365. हाउ मेनी डेज आर देयर इन 9 ईयर्स. अब 9 ईयर्स में हमें बताने हैं कि कितने डेज होते हैं. एक ईयर में तो 365 डेज होते हैं एज यू ऑल नो. अब 9 ईयर्स में कितने डेज होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 9 को 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 एंड नंबर ऑफ ईयर्स 9. सो हम टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे इनको मल्टीप्लाई करके. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, मोना हैज़ 842.50 रुपी नोट्स. हाउ मच मनी डज शी हैव. सी, मोना के पास 50 रुपीज़ के नोट्स हैं और उन और वो कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं, 842 नंबर ऑफ नोट्स हैं और उनकी अमाउंट क्या है, 50 रुपीज़. सो हमें बताना है हाउ मच मनी, टोटल नंबर ऑफ मनी उसके पास कितनी है, टोटल मनी मोना के पास कितनी है. सो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स पहले कितने हैं, 842 नोट्स हैं उसके पास. राइट, एंड अमाउंट क्या है उन नोट्स की, मतलब कितनी अमाउंट के वो नोट हैं, 10 के नोट हैं, 20 के नोट्स हैं, 100 के नोट्स हैं या 50 के नोट्स हैं. तो कौन से नोट्स हैं उसके पास, किस अमाउंट के, 50 रुपीज़ के. राइट, सो टोटल मनी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 842 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखिए, आपने लास्ट एक्सरसाइज में आपने सीखा था कि किसी भी मल्टीप्लायर के अगर ज़ीरो होता है टेंस वंस प्लेस पे या हंड्रेड प्लेस पे, तो हम पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितनी नंबर ऑफ ज़ीरोज होती हैं वो काउंट करके लगा देते हैं. तो पहले हम 5 को 842 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4,210. अब ज़ीरो कितनी है, 1, तो हमने 10 पुट कर दी, तो हमारी टोटल अमाउंट आ गई 42,100. राइट, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़, अ बाइसिकल कॉस्ट रुपीज़ 1,875. नाउ व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 सच बाइसिकल्स. सी देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर एक की अमाउंट गिवन हो या एक का कोई भी नंबर गिवन हो और हमें ज़्यादा का निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो एक बाइसिकल की कॉस्ट इतनी है और हमें 27 बाइसिकल की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय सेल्फ. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, अ डजन इरेजर आर पैक्ड इन अ बॉक्स.
एक डजन, सो डजन मीन्स 12, सो 12 इरेजर पैक हैं किसमें, एक बॉक्स में, सो 25 बॉक्सेज आर पैक्ड इन अ कार्टन, एक कार्टन में छोटे छोटे 25 बॉक्स हैं जिसमें इरेजर हैं, राइट, और उनको एक कार्टन में रखा गया है। कार्टन जो कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है उसे कार्टन बोलते हैं, सो 25 उन 25 बॉक्सेस को कार्टन में रखा गया। नाउ हाउ मैनी इरेजर आर देयर इन 10 कार्टन्स, अब हमारे पास ऐसे 10 कार्टन्स हैं एंड उनके अंदर कितने बॉक्सेस हैं इरेजर की वो हमें फाइंड आउट करने हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इरेजर इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में कितने इरेजर हैं 12, तो 25 बॉक्स में कितने नंबर ऑफ इरेजर हैं पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक के एक में 12 है तो 25 में का निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 25 इंटू 12 हमारा आंसर आएगा, टोटल नंबर ऑफ इरेजर आंसर नहीं आएगा, हमारे टोटल नंबर ऑफ इरेजर आएंगे कितने, 300। नाउ अब हमें निकालने हैं 10 कार्टन्स के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ इरेजर हैं, सो हम क्या करेंगे, 300 इंटू 10, सो हमारा आंसर आ जाएगा अब 3000। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज अ फार्मर प्लांट्स 225 एप्पल ट्रीज इन अ रो, हाउ मैनी एप्पल ट्रीज विल ही प्लांट इन 38 सच रोज, एक रो में एक फार्मर 225 एप्पल प्लांट करता है, अब 38 रोज में वो कितने एप्पल ट्री प्लांट करेगा ये आपको फाइंड आउट करना है, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज अ नोटबुक हैज़ 324 पेजेस, हाउ मैनी पेजेस विल बी देयर इन 7 सच नोटबुक्स, सी एक नोटबुक में कितने पेजेस हैं, एक एक के नंबर ऑफ पेजेस आपको गिवन है और आपको कितनी नोटबुक्स के पेजेस निकालने हैं, 7 के, तो क्या करेंगे आप, यस यू विल डू द मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 6.9 एंड 6.2, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर मैथ्स नोटबुक। थैंक यू एंड टेक केयर।